अब नए हिंदू नव वर्ष में कर्क राशि वालों का बजेगा डंका। लव लाइफ, करियर, बिजनेस और जिंदगी में आएंगे काफी बड़े बदलाव। ग्रहों की चाल दिखाएगी कमाल। पंचग्रही योग का भी मिलेगा फायदा। सरप्राइज और हैरान कर देने वाली घटनाएं भी देखने को मिलेंगी। नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब दोस्तों, मैं हूं गुरमीत बेदी। मेरे यूट्यूब चैनल एस्ट्रोलॉजर गुरमीत बेदी में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, 9 अप्रैल 2024 से नया विक्रमी संवत 2081 शुरू हो जाएगा, यानी नए हिंदू नव वर्ष की शुरुआत होगी। और ये जो नया हिंदू नव वर्ष है, ये कर्क राशि वालों के लिए बेहद खास, बेहद महत्वपूर्ण रहने वाला है। कुछ महत्वपूर्ण और चौंकाने वाली, हैरान कर देने वाली घटनाएं जो हैं वो कर्क राशि वालों की जिंदगी में होकर रहेंगी। ये बात मैं ग्रह नक्षत्रों की स्टडी के आधार पर कह रहा हूँ, क्योंकि एस्ट्रोलॉजी एक विज्ञान है और ग्रहों का खेल बता देता है कि आपकी ज़िंदगी में क्या होने वाला है। मैंने वैदिक एस्ट्रोलॉजी पर 35 साल रिसर्च वर्क किया है, शोध पुस्तक लिखी है, एस्ट्रोलॉजी एक विज्ञान। अपने अनुभवों के आधार पर मैं पूरे भरोसे के साथ ये बात कह रहा हूँ कि 9 अप्रैल से जो नया विक्रमी संवत 2081 शुरू हो रहा है, ये कर्क राशि वालों के लिए बहुत शानदार रहने वाला है, क्योंकि ग्रह नक्षत्र कर्क राशि पर मेहरबान रहने वाले हैं। कुछ घटनाएं कर्क राशि वालों की ज़िंदगी में ऐसी भी होंगी जो आपने सोची नहीं होंगी, लेकिन कई उपलब्धियां भी आपके खाते में ऐसी दर्ज होंगी जिनकी आपने कल्पना भी नहीं की होगी। कर्क राशि वालों के लिए ये साल किस किस क्षेत्र में क्या क्या लेकर आ रहा है, ये इस पोस्ट में मैं आपको बताने जा रहा हूँ, इसलिए इस पोस्ट को अंत तक जरूर देखिएगा। इससे पहले मैं नए हिंदू नव वर्ष में ग्रहों के खेल को आधार बनाकर कर्क राशि के विस्तार से मैं भविष्यवाणी करूं, मैं अपने दर्शकों को बताना चाहूंगा कि मैं चंद्र कुंडली के मुताबिक ये भविष्य फल बता रहा हूं। आप इस भविष्यवाणी को कर्क राशि के मुताबिक भी देख सकते हैं, कर्क लगन के मुताबिक भी देख सकते हैं, और अपने नाम के पहले अक्षर से बनने वाले राशि के मुताबिक भी देख सकते हैं। मैं आपके जानकारी के लिए बता दूं कि जिन लोगों का नाम ही हु हो डा डी डू डे डो से शुरू होता है, उनकी कर्क राशि होती है। ज्योतिष के राशि चक्र की ये चौथी राशि है। इसका प्रतीक चिन्ह केकड़ा होता है। इस राशि के स्वामी चंद्र ग्रह हैं। कर्क राशि के लोग बहुत कल्पनाशील होते हैं और स्वतंत्र विचारों के लिए, अपनी बुद्धिमता के लिए जाने जाते हैं। मल्टी टैलेंटेड होते हैं, आर्टिस्टिक नेचर इनकी रहती है। इनको सजना संवरना बहुत अच्छा लगता है। लोगों के बीच ये अट्रैक्शन का केंद्र बनते हैं। कला, साहित्य, संगीत, यहाँ तक कि ज्योतिष में भी इनका गहरा दखल रहता है, बहुत रुचि रहती है। कर्क राशि के लोग मातृभक्त होते हैं और उनकी स्मरण शक्ति जो है बहुत तीव्र होती है। ये सेल्फ डिपेंड होते हैं, बातूनी भी होते हैं, लेकिन ईमानदार होते हैं, न्यायप्रिय होते हैं, अच्छे वकील, अच्छे डॉक्टर, अच्छे आर्टिस्ट, अच्छे लेखक साबित होते हैं। ये जो 9 अप्रैल से नया विक्रमी संवत शुरू हो रहा है, ये कर्क राशि वालों के लिए कई मोर्चों पर बहुत शानदार रहने वाला है। आपके लव लाइफ में, आपके कैरियर में, आपके बिजनेस में, जिंदगी में कुछ बड़ा होने वाला है। कुछ घटनाएं आपके साथ ऐसी होंगी जो आपको रोमांचित करेंगी। कुछ मामलों में आपको थोड़ा सावधान भी रहना है। दोस्तों, ये जो 9 अप्रैल से 2081 नया संवत्सर शुरू हो रहा है, इसमें प्रमुख ग्रहों की चाल बहुत ही शुभ संकेत दे रही है, क्योंकि इस संवत की शुरुआत ही अमर सिद्धि योग, स्वार सिद्धि योग में हो रही है। शनि अपने मूल त्रिकोण कुंभ राशि में, देवगुरु बृहस्पति मेष राशि में, सूर्य अपने मित्र गुरु की मीन राशि में, मंगल कुंभ राशि में, बुध अपनी नीच मीन राशि में और शुक्र अपनी उच्च मीन राशि में गोचर कर रहे होंगे। राहु मीन राशि में और केतु कन्या राशि में गोचर कर रहे होंगे। चंद्रमा भी इस दिन मीन राशि में ही होंगे, यानी मीन राशि में पंचग्रही योग बना होगा, जिसे ज्योतिष में बहुत ही शुभ माना जाता है। एक दिन पहले ही सूर्य ग्रहण होकर हटा होगा और नव संवत पर ही चैत्र नवरात्र की शुरुआत होगी। इस वर्ष के जो राजा हैं वो मंगल हैं, मंत्री शनि रहने वाले हैं, इसलिए कर्क राशि वालों की जिंदगी में सरप्राइज और हैरान कर देने वाली घटनाएं देखने को मिलेंगी। ग्रहों के गोचर को देखकर यह कहा जा सकता है कि यह नव वर्ष कर्क राशि के जातकों के लिए बेहद शुभ फलदायी साबित हो सकता है। वर्ष की शुरुआत में ही देवगुरु बृहस्पति कर्क राशि वालों के 10th हाउस में विराजमान होकर आपके कैरियर को आगे बढ़ाएंगे। कुंडली का दशम भाव पिता और राज दरबार स्थान होता है, इसे कारोबार स्थान भी कहा जाता है, कैरियर स्थान भी कहा जाता है। लिहाजा देवगुरु बृहस्पति के आशीर्वाद से आपका जो कैरियर है वो 9 अप्रैल के बाद
तेजी से आगे बढ़ेगा, आपके भाग्य के बंद दरवाजे खुलते चले जाएंगे। 1 मई को जब देवगुरु बृहस्पति राशि परिवर्तन करके आपकी आमदनी के स्थान पर आएंगे तो आपकी आमदनी के नए नए रास्ते खुलते जाएंगे। कर्म के मामले में भी आपकी खास रुचि बनी रहेगी, आपकी एक अलग आइडेंटिटी बनेगी और तीर्थ स्थलों की, देव स्थानों की आप यात्राएं करेंगे। राहु पूरा साल आपके नवम भाव में गोचर करते रहेंगे जिससे अध्यात्म की तरफ भी आपका रुझान बढ़ता रहेगा, आपके फैन फॉलोइंग भी बढ़ेगी। कर्क राशि वालों के लिए बेहद शुभ बात यह है कि बुध और शुक्र जैसे शुभ ग्रह आपके प्रेम भाव में यानी 5वें घर में रहेंगे जिससे प्रेम जीवन में नई ऊर्जा आएगी। आप विवाह के बारे में भी विचार कर सकते हैं। कैरियर के मामले में नया हिंदू नववर्ष की जो शुरुआत है कर्क राशि वालों के लिए बहुत बढ़िया रहने वाली है। शनि अष्टम भाव से लेकर दशम भाव में दृष्टि डालेंगे, आपको समाज में एक अलग पहचान मिलेगी। नौकरी पेशा है तो प्रमोशन का लाभ मिलेगा, सीनियर ऑफिसर आप पर मेहरबान रहेंगे। कर्क राशि के विद्यार्थियों के लिए साल की जो शुरुआत है वो बहुत शानदार रहेगी। बुध और शुक्र के प्रभाव और चौथे भाव पर देवगुरु बृहस्पति की विशेष दृष्टि का लाभ आपको मिलेगा। आप एजुकेशन सेक्टर में अपने कैरियर में अच्छा प्रदर्शन करेंगे। अप्रैल से जुलाई, अगस्त, नवंबर और दिसंबर के महीने आपके लिए सबसे शानदार रहने वाले हैं। देवगुरु बृहस्पति की कृपा से आपको परिवार के बुजुर्ग सदस्यों का आशीर्वाद मिलेगा, सहयोग मिलेगा। 23 अप्रैल से 15 जून के बीच आपको पिता के स्वास्थ्य का थोड़ा सा ख्याल रखना होगा। इस साल बुध और शुक्र आपको लग्जरी लाइफ देने वाले हैं, बहुत ही खुशियां देने वाले हैं, वाहन सुख देने वाले हैं, नए घर का सुख देने वाले हैं, नई प्रॉपर्टी बनाने में आप कामयाब हो सकते हैं। कर्क राशि वालों के जीवन में प्रेम भी दस्तक देगा, आपकी लव लाइफ बेहतर होगी, आपका प्रेम परवान चढ़ेगा, रोमांस के मौके मिलेंगे, आप उत्साह से भरे रहेंगे। आपके लिए आमदनी के नए नए साधन बनते जाएंगे और आपके मान सम्मान में बढ़ोतरी होगी, समाज में स्टेटस बढ़ेगा, बिजनेस में आपकी तरक्की होगी, आर्थिक प्रगति होगी और जिन योजनाओं को अभी आप पूरा नहीं कर पाए हैं अब नए हिंदू नववर्ष में वो योजनाएं पूरी होती चली जाएंगी। आप मटेरियलिस्टिक लाइफ जिएंगे, लग्जरी लाइफ जिएंगे, भौतिक सुखों पर आप खर्च करेंगे और नौकरी पेशा लोगों के प्रमोशन के, इंक्रीमेंट के योग बनेंगे। शुभ समाचारों की आपको प्राप्ति होगी, आपके कॉन्टैक्ट्स बढ़ेंगे, संपर्क सूत्र बढ़ेंगे, प्रभावशाली लोगों के साथ आपका उठना बैठना मेल मिलाप होगा, सेहत आपकी अच्छी रहेगी। इस साल शनि महाराज और देवगुरु बृहस्पति भी आप पर मेहरबान रहेंगे और समय समय पर आपको समस्याओं से बचाएंगे, आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा। सोशल मीडिया पर कोई परिचय जो है वो किसी इमोशनल अटैचमेंट में भी बदल सकता है और इस रिश्ते को आप कोई इनाम भी दे सकते हैं। अगर बिजनेस की बात करें तो कर्क राशि के जो लोग बिजनेस में हैं, 9 अप्रैल से शुरू हो रहा नया हिंदू नव वर्ष उनके लिए बहुत लाभकारी रहने वाला है। शुक्र ग्रह आपके भाग्य में वृद्धि करेंगे और आप अपने बिजनेस का विस्तार करने में कामयाब रहेंगे। लव लाइफ आपकी बेहतर होगी। जो कर्क राशि के यंगस्टर्स हैं, नौजवान हैं, युवा हैं, उनके जीवन में प्रेम दस्तक देगा, वैवाहिक जीवन में मधुरता आएगी, आपसी अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी, पति पत्नी कहीं घूमने का कार्यक्रम भी बना सकते हैं और कंपिटिटिव एग्जाम में आपको सफलता के योग बनेंगे। कर्क राशि के विद्यार्थी विदेश जाकर पढ़ाई करने का अगर सपना पाले हैं तो आपका यह सपना पूरा हो सकता है। अगर आपने पीआर के लिए कोई फाइल लगा रखी है तो वो शुभ घड़ी आएगी जब आपका पीआर पाने का सपना भी साकार होगा। इस साल आप मनचाही नौकरी पा सकते हैं, प्रमोशन और इंक्रीमेंट के योग बनेंगे, आपके जो सीनियर ऑफिसर आप पर मेहरबान रहेंगे, कार्यस्थल पर आपका दबदबा रहेगा, अपने आप को साबित करने के आपको मौके मिलेंगे, अपने मुकाम हासिल करेंगे और आपको मई और जून महीने में आप लग्जरी आइटम खरीद सकते हैं, परिवार की सुख सुविधाओं पर खर्च कर सकते हैं। जुलाई से अक्टूबर तक का समय आपके लिए बहुत मंगलकारी रहने वाला है। नवंबर और दिसंबर के महीने में आपको इन्वेस्टमेंट से लाभ होने वाला है। पार्टनरशिप में अगर आप कोई काम करना चाहेंगे तो आपको बड़ी सफलता मिलेगी। शेयर मार्केट में पैसा लगाने के लिए ये जो नया हिंदू नव वर्ष है आपके लिए फेवरेबल रहने वाला है। कर्क राशि के जो लोग रियल एस्टेट में हैं, हॉस्पिटैलिटी सेक्टर में हैं, आईटी सेक्टर में हैं, एजुकेशन सेक्टर में हैं, मल्टीमीडिया में हैं, ट्रेडिंग का काम करते हैं, शेयर मार्केट का काम करते हैं, वकील हैं, इंजीनियर हैं, उनके लिए ये साल बहुत शानदार रहने वाला है। संतान का भी पूरा सुख मिलने वाला है। आप ये तय मान सकते हैं कि ये जो नया हिंदू नव वर्ष 9 अप्रैल से शुरू हो रहा है आपके संतान के पक्ष से आपको कोई अच्छी खबर भी सुनने को मिलेगी और आपकी सामाजिक प्रतिष्ठा में भी बढ़ोतरी होगी। आज की पोस्ट में बस इतना ही। इसी तरह की जानकारियों के लिए मेरे YouTube चैनल एस्ट्रोलॉजर गुरमीत बेदी से जुड़े रहिए। आपका बहुत बहुत आभार। मैं हूं गुरमीत बेदी।